गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंटिन्यू पोएट्रिक डिवाइस क्लास 12th सब्जेक्ट इंग्लिश टॉपिक पोएट्रिक डिवाइसेस। लेट्स कंटिन्यू पोएट्रिक डिवाइसेस। आई टॉट यू द पोएट्रिक डिवाइसेस इन योर प्रीवियस क्लास एंड टुडे वी विल कंटिन्यू। जैसा कि आप स्क्रीन पर बच्चों देख पा रहे होंगे, हमने पिछली क्लास में ये कुछ पोएट्रिक डिवाइसेस हैं जो पढ़े थे और कॉपी में नोट डाउन भी किए थे। अब आप इसमें देख पा रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ पर सिमली के बारे में हमने जिक्र किया था। सिमली जो है आपका एक पोएट्रिक डिवाइस है, मैंने आपको बताया था, जो कंपेरिजन के लिए यूज़ किया जाता है डिस्टिंक्टली डिफरेंट थिंग्स में। टू डिस्टिंक्टली डिफरेंट थिंग्स का मतलब दो पूर्णतः अलग अलग चीज़ें हैं और उनमें जो अंतर करने के लिए लाइक और एज वर्ड का यूज़ किया जाता है, लाइक एज और सो वर्ड का अगर यूज़ किया जाता है तो वह सिमली कहलाता है। और इसके बाद फिर हमने यहाँ पे मेटाफर भी आपको समझाया था। मेटाफर जो है वो ऐसा पोएटिक डिवाइस है या फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हम कंपैरिजन तो करते हैं दो चीज़ों के बीच में, लेकिन जो वर्ड्स हैं लाइक और एज और सो एट्सेट्रा का यूज़ हम इनमें नहीं करते हैं, हम डायरेक्टली डिफरेंस कर देते हैं, तो उस कंडीशन में मेटाफर आता है। रिपीटेशन, रिपीटेशन का मतलब होता है रिपीट होना कोई चीज़। जैसे कोई वर्ड है या कोई अल्फ़ाबेट है, उसमें लेटर है, अगर वो बार बार रिपीट हो रहा है तो वहाँ पे वो रिपीटेशन कहलाता है। और एलिट्रेशन में जो आपका नेक्स्ट है, एलिट्रेशन, एलिट्रेशन में आप सभी बच्चे ये जानोगे कि किस तरह से यहाँ लिखा हुआ है एलिट्रेशन का यूज़ सेम लेटर और सेम साउंड के साथ ही होता है और वर्ड के शुरुआत में और या तो फिर वर्ड के अंत में भी हो सकता है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर भी रिपीटेशन की तरह ही एलिट्रेशन का भी यूज़ किया जा सकता है। तो यानी एक तरह से अगर हम ये कहें रिपीटेशन और एलिट्रेशन कहीं ना कहीं एक जैसे होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आप रिपीटेशन या एलिट्रेशन दोनों में से कोई भी ऑप्शन वहाँ लिख देते हैं एग्ज़ाम में तो दोनों सही माना जाएगा, तो इसीलिए ये भी रिपीटेशन की तरह ही है। नेक्स्ट आता है हाइपरबोल। हाइपरबोल का यूज़ तब किया जाता है जब हम किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करते हैं। जब किसी चीज़ का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है पोएट्री में पोएट के द्वारा उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए, तो वहाँ पर हाइपरबोल का यूज़ होता है। और यहाँ पे लिखा है कि इसका जो मेन पर्पस है वो होता है ड्रामेटिक या कॉमेडिक इफ़ेक्ट लाने के लिए। जैसे डियर स्टूडेंट्स, आपने 11th क्लास में एक पोएम पढ़ी थी, द टेल ऑफ मेलन सिटी। द टेल ऑफ मेलन सिटी में किस तरह से बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया था कि एक खरबूजे को जो है वो राजा बना दिया जाता है। तो यहाँ पे हमने आपको कल भी बताया था कि हो सकता है कि एक ही स्टेंजा में या एक ही पोएट्री में बहुत सारे अलग अलग पोएट्रिक डिवाइसेस यूज़ हो रहे हों, एक ही लाइन में अलग अलग पोएट्रिक डिवाइस यूज़ हो रहे हैं, तो इससे आपको घबराना नहीं है। अब जहाँ पे मैंने जो एग्ज़ाम्पल बताया है अ टेल ऑफ मेलन सिटी का, उसमें आप देखोगे आयरनी भी है। आयरनी जो है यहाँ पे आपको लिखवाया नहीं गया है, लेकिन यहाँ पे आयरनी का यूज़ जो है वो किया जाता है, तो इसलिए आप जो है बिल्कुल भी आप दोनों में से अगर कोई एक ऑप्शन भी लिखते हैं तो आपका वो सही माना जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लीजिए 12th क्लास की जो पोएम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम,
अगर वहाँ पे फार फार वर्ड एग्जांपल में शो कर रहा है आपको, अगर ये जो फार फार वर्ड शो कर रहा है, अगर यहाँ पे आपसे पूछता है कि ये कौन सा पोएटिक डिवाइस है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, और आप चाहे रिपीटेशन लिखते हैं चाहे अलिटरेशन लिखते हैं, दोनों ही सही माना जाएगा। तो उसी प्रकार से हाइपरबोल का भी ध्यान रखेंगे, जहाँ आपको लगता है कि पोयम में बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है तो वहाँ पर एलिट्रेशन का यूज़ होगा, और इसीलिए आप वहाँ पर एलिट्रेशन को लिखेंगे या रिपीटेशन को लिखेंगे। हाइपरबोल के लिए मैंने बताया, हाइपरबोल या आयरनी का ध्यान रखेंगे, अगर एक तरह से व्यंग है, कोई ऐसी चीज़ है जिसमें व्यंग है, यानी व्यंग का मतलब ऐसी बात कही गई है जो सुनकर तो कॉमेडी लग रही है लेकिन उसका जो डीपीएस्ट मीनिंग है वो दुख देता है, कष्ट देता है, तकलीफ़ देता है सुनकर, तो इसीलिए उसे आयरनी कहा जाएगा। अब यहाँ पे इसके बाद आता है पर्सोनिफिकेशन। आप देखेंगे पर्सोनिफिकेशन का यूज़ पोएट्री में जब किया जाता है, जब हम किसी पर्सन के एडजेक्टिव को किसी नॉन ह्यूमन में कन्वर्ट करते हैं, या उसके गुण उस ह्यूमन बीइंग के गुण को नॉन ह्यूमन बीइंग के गुण में बदल देते हैं, तब यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन लगता है। जैसे आपने एक पोएम पढ़ी है माई मदर एट 66, उसमें कमला दास जो उसकी पोएटेस हैं उनको ये लगा है कि पेड़ जो है वो जो यंग ट्रीज़ हैं वो दौड़ रहे हैं, यंग ट्रीज़ डिस्क्राइब एज स्प्रिंटिंग एक लाइन लिखी हुई है, तो यहाँ पे जो यंग ट्रीज़ डिस्क्राइब एज स्प्रिंटिंग है वहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है। तो यहाँ पे दूसरा पोएटिक डिवाइस भी उसमें लगा हुआ है, लेकिन आप पर्सोनिफिकेशन लिखेंगे क्योंकि जो पेड़ हैं वो दौड़ नहीं सकते हैं, आप जानते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे पर्सन, पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति, और पर्सोनिफिकेशन से यहाँ पे बना हुआ है। तो यानी जैसे हिंदी में हम कई बार कहते हैं कि चांद बना दूल्हा सा निकला तारों की बारात में, तो यहाँ पे जो चांद है उसको हमने दूल्हा बना दिया, तारों को बाराती बना दिया है, तो ये ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन का गुण है, ह्यूमन के एडजेक्टिव्स हैं, क्योंकि इंसान लोग शादी करते हैं वे दूल्हे बनते हैं, तो यहाँ पे उस टाइम पे उस कंडीशन में यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन होगा। तो यहाँ पे जैसे एक लाइन लिखी हुई है पैथेटिकली प्लेट, तो ये रोड साइड स्टैंड पोएम की लाइनें हैं। जो पैथेटिकली प्लेट है इसका मतलब जो वहाँ पे रोड साइड स्टैंड है वो पैथेटिकली प्लेट कर रहा है उन लोगों से। अब पैथेटिकली प्लेट का मीनिंग होता है दयनीय रूप से प्रार्थना करना, रिक्वेस्ट करना, तो दयनीय रूप से प्रार्थना और रिक्वेस्ट करना वो करता है जो इंसान है, ह्यूमन बीइंग है। तो यहाँ ह्यूमन बीइंग को ना कहकर वो कहता है कि वो जो स्टैंड है वो ऐसे प्लेट कर रहा है, तो यहाँ पे इसीलिए उस रोड साइड स्टैंड को ह्यूमन का जो गुण है वो दिया गया है, इसीलिए यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है। अब इसी तरह से इसको आगे देखेंगे, और आगे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीमोरन है, आप देख पा रहे होंगे अगला आता है ऑक्सीमोरन। और ऑक्सीमोरन का मतलब ये होता है जब एक सेंटेंस में, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, एक सेंटेंस में दो वर्ड्स का यूज़ होगा और दोनों एक दूसरे से अपोजिट होंगे, कॉन्ट्रडिक्टरी होंगे उनके मीनिंग में, तो वहाँ पे जो है हमारा ऑक्सीमोरन होगा। और यह भी ह्यूमर क्रिएट करने के लिए किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था एक लाइन है ही इज़ एन ऑनरेबल मैन, तो यहाँ ही इज़ एन ऑनरेबल मैन तो ठीक है, लेकिन अगर मैं सेंटेंस को बोलूँ ही इज़ एन ऑनरेबल विलेन, तो यहाँ आप देखिए ऑनरेबल और विलेन, तो ये लाइन में जो है ऑक्सीमोरन वर्ड यूज़ हुआ है, क्योंकि विलेन और ऑनरेबल एक दूसरे के अपोजिट हैं। ऑनरेबल होता है सम्माननीय और विलेन होता है जो नेगेटिव काम करता है। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे कि किस तरह से ऑक्सीमोरन में दो वर्ड्स जो एक साथ यूज़ किए जाते हैं लेकिन उनका जो एक्सप्रेशन है वो कंट्राडिक्टरी होता है या अपोजिट होता है उनका मीनिंग, तो इस तरह से वहाँ ऑक्सीमोरन होता है। या अगर आपने दूसरा एग्जांपल समझना है तो आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर मैं कहूँ
साउंड ऑफ साइलेंस। तो साउंड ऑफ साइलेंस में आप ये देखोगे कि साउंड का मतलब होता है आवाज़ और साइलेंस का मतलब होता है चुप्पी। तो चुप्पी की आवाज़ जो है या शांति की जो आवाज़ है, तो आप ये रियलाइज़ करोगे कि ये पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे एक दूसरे का कंट्राडिक्टरी है, तो इसलिए ये ऑक्सीमोरन के अंतर्गत आएगा। अब यहाँ पे ट्रांसफर्ड एपिथेट एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है या पोएटिक डिवाइस है जहाँ पे लिखा हुआ है एक एडवर्ब जो है या कोई एडजेक्टिव जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है नाउन में। तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि ग्रामेटिकली तो वो यूज़ हो जाएगा लेकिन प्रैक्टिकली वो फिट नहीं बैठेगा। तो पढ़ के हमें पता चल जाएगा किस तरह से। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जैसे यहाँ पे इसने कहा है सेल्फिश कार्स, एक एग्ज़ाम्पल लिखा है सेल्फिश कार्स, तो सेल्फिश कार्स का मतलब यहाँ पे ये जो कार है वो सेल्फिश है। पोयम है रोड साइड स्टैंड, पोएट इसलिए कहता है क्योंकि जो रोड साइड स्टैंड पे जिस आदमी ने दुकान लगाई है फ्रूट्स की वेजिटेबल्स की, उसे ये उम्मीद है कि कार्स वहाँ पे रुकेंगी और वे लोग निकलेंगे कार में से और उसके वेजिटेबल्स फ्रूट्स को परचेज़ करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वे लोग वहाँ रुकते नहीं हैं, गाड़ियाँ वहाँ से गुजर जाती हैं, तो इसलिए उनको वो सेल्फिश बोलता है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे कार्स को सेल्फिश कहा गया है तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन भी हो सकता है। ये अगर आप यहाँ पे इसको पर्सोनिफिकेशन लिख देंगे तो भी ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट है इमेजरी। इमेजरी जैसा वर्ड से ही पता चल रहा है, इमेजरी मतलब होता है इमेजिनेशन और इमेजिनेशन मतलब होता है कल्पना। तो यहाँ पे जो पोएट होते हैं जब कई बार बहुत बड़ी बड़ी कल्पनाएँ करते हैं तो यहाँ पे उसको हम इमेजरी बोलते हैं। और उसके बाद है सिंबोलिज्म। अब सिंबोलिज्म का मतलब होता है संकेत। सांकेतिक रूप में जब कोई चीज़ इस्तेमाल की जाती है तो वहाँ पे सिंबोलिज्म आता है। जैसे आपको लास्ट टाइम भी बताया गया था कि सिंबल, जैसे सिंबल्स होते हैं ट्रैफिक के सिंबल्स आप फॉलो करते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी सिंबल्स पोएट यूज़ करता है। तो इस तरह से जैसे कि कोई इशारा कर रहा है वो सिंबल। अब जैसे वेडिंग बैंड लिखा हुआ है एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे, वेडिंग बैंड मतलब होता है जो शादी का बैंड है, एक आंट जेनिफर्स टाइगर पोएम है उसमें पोएट ने ये यूज़ किया है, तो वो किसी चीज़ का इशारा करती है, जो वेडिंग बैंड है वो संकेत करता है किसी चीज़ का, एक सिंबल है। तो यहाँ पे वैसे ही जैसे कई बार पोएट हार्ट को रिप्रेजेंट करता है लव के लिए, या रोज़ को रिप्रेजेंट करता है लव के लिए, या डव, डव एक बर्ड है जिसको पीस के लिए सिंबलाइज किया जाता है, और ऐसे ही जो ह्यूमन स्कल है जैसे कि डेंजर के लिए सिंबलाइज किया जाता है, खतरा, इंसान की जो खोपड़ी है वो खतरे का संकेत देती है, तो ऐसे ही वो सिंबल है, सिंबलिज्म इस तरह से यूज़ किया जाता है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और हमने अभी तक जो पोएम्स आपकी पढ़ी हैं उन पोएम्स में चलेंगे और देखेंगे कि किस तरह से आपने अभी तक पोएम्स में क्या क्या पोएटिक डिवाइस यूज़ हो रहा है। आप देख पा रहे होंगे जैसा कि स्क्रीन पर, यह आपके फर्स्ट पोएम है माय मदर एट 66 रिटन बाय कमला दास। अब यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है तो ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन जो लिखा हुआ है वो आपका कह रहा है ट्रीज स्प्रिंटिंग। तो पोएम में जहाँ ट्रीज स्प्रिंटिंग है, पेड़ों को भागते हुए बताया गया है, वहाँ पर ये पोएटिक डिवाइस यूज़ हो रहा है ट्रीज स्प्रिंटिंग। और उसी पोएम में जहाँ पे लिखा हुआ है चिल्ड्रन स्पाइलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, यहाँ पे इमेजरी पोएटिक डिवाइस यूज़ हो रहा है। और ऐसे ही जहाँ पर ये लिखा हुआ है सिमिलर हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, तो यहाँ पे देखो आप ध्यान से देखेंगे लाइक वर्ड यूज़ हुआ है, ये वर्ड लाइक यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे जो ये वर्ड है लाइक, आपको पता है मैंने बताया हुआ है आपको कि लाइक जो है सिमली के लिए यूज़ होता है, यानी ये यहाँ पे ये सिमली हो जाएगा। और यहाँ पे आपने तीन पढ़ लिए, पर्सोनिफिकेशन है, इमेजरी है और यहाँ पे सिमली है। अगली लाइन जो है देखो यहाँ पे कह रहा है सी यू सून अम्मा, सी यू सून अम्मा, एंड यहाँ पे पोएम में लाइन लिखी थी स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, पोएम में लाइन लिखी हुई थी कि जो मैं कर पाई वो मैंने
स्माइल और स्माइल और स्माइल किया, और मैंने अपनी मदर को देखते हुए जो मैं कह पाई मैंने यही कहा कि सी यू सून अम्मा। तो कहने के लिए सी यू सून अम्मा कहा, और जो कर पाई वो स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ कि जो उसके स्माइल है वो खुश तो नहीं है, दुखी है, लेकिन फिर भी स्माइल कर रही है। तो यहाँ पे आयरनी है, क्योंकि उसकी जो स्माइल है वो यहाँ पर आयरनिकली तरीके से रिप्रेजेंट की गई है, क्योंकि वो दिखावा कर रही है, छुपाना चाहती है सच्चाई। तो